इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की कई दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और कोविड में अभिभावक को खोने वाले 230 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल गया। इसी को लेकर इंदौर के एक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को सर्टिफिकेट और चेक का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी बेहद भावुक नजर आए। सांसद शंकर लालवानी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक बच्ची उनके पास आई थी और उसने कहा कि वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगी क्योंकि छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। इस पर सांसद ने बच्ची से कहा कि आप भी पढ़ाई करेंगे और आपके भाई बहन भी पढ़ाई जारी रखेंगे। सांसद लालवानी ने कोविड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण का आधार शिक्षा ही है, इसलिए जब कोविड में अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों की शिक्षा पर सवाल आया तो उन्होंने प्रण किया था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सांसद लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया और कहा कि इन दोनों नेताओं से लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह ने सांसद लालवानी के इस अभिनव प्रयास की प्रशंसा की। वहीं समाज सेवी अनिल भंडारी ने कहा कि सांसद शंकर लालवानी ने ये बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है और इतने कम समय में इसे पूरा कर दिया है। ऐसा करने वाले वे देश के एकमात्र सांसद हैं। फॉर्म मंगाए थे, लगभग 550 से ज्यादा फॉर्म आए थे, उसमें कॉलेज के 175 हैं और बाकी स्कूलों के। जो एक शिक्षकों शिक्षा के जुड़े एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई थी, उन्होंने 235 उसमें से निकाले हैं और उसमें लगभग 90 स्कूल के आसपास आए हैं, उनसे हमने बात की है और 90 स्कूल के आज पत्र और जिन स्कूलों में फीस माफ़ करी या जिन्होंने आधी फीस ली तो आधे चेक समाज के माध्यम से जोड़ के दिए हैं। लगभग 1 करोड़ की राशि ये बैठ रही है पूरे 235 बच्चों की, और हमने प्रयास किया है कि इन 235 के 33 बच्चों की शिक्षा उसी स्कूल में चलनी चाहिए जिस स्कूल में पहले से वो पढ़ते थे। समाज के लोग और जुड़ रहे हैं। आज ही मुझे फ़ोन आया कि हम इनको स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं, तो हमने स्कॉलरशिप की बात की। जो रह गए हैं उनके लिए हम अभी बात करेंगे। बुधवार को हम कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको बुला रहे हैं और उनके कॉलेज की व्यवस्था के लिए भी प्रयास करेंगे। कोचिंग क्लास वालों से मेरी बात हुई, कोचिंग क्लास निःशुल्क कोचिंग देने को तैयार हुआ। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहेंगे उनको कोचिंग भी दी जाएगी। इससे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो माता बहन हैं जो जिनके परिवार में कमाने वाला नहीं रहा है और वो चाहती हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, तो नौकरी की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं या फिर वो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। दोनों में से जो उनको ठीक लगेगा उसके लिए हम प्रयास करें ताकि हमारी माता बहनें परिवार के लालन पोषण के लिए अपने पैरों पर खड़ी।